हेलो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑन ग्रुप थ्योरी, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट ग्रुप। अब तक हमने सिमेट्री एलिमेंट्स जो थे वो चार लेक्चर में कवर कर लिए, ऑल टाइप्स ऑफ फोर सिमेट्री एलिमेंट्स। सो आज बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट ग्रुप्स। सो पॉइंट ग्रुप क्या होता है, ग्रुप थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉइंट ग्रुप, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स। जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स अभी तक हमने पढ़े, जैसे कि प्रॉपर एक्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्स ऑफ सिमेट्री, उन सभी सिमेट्री एलिमेंट्स का, जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े उन सभी का एक कलेक्शन एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जितने भी सिमेट्रिक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हम लेंगे, एग्जाम में पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपके पास आएगा, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपको चेक करना होगा कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है। उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सिग्मा वी है, सिग्मा डी है, सिग्मा एच, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, डायहेड्रल प्लेन, जो भी प्लेन होगा, इम्प्रॉपर एक्सिस होगा, वो सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े हैं हमने, उनको इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है क्योंकि उन सभी का कलेक्शन एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और उस सिंबल को क्या कहते हैं, पॉइंट ग्रुप। तो उन्हीं सिमेट्री एलिमेंट्स का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा इन होल ग्रुप थ्योरी। सो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट ग्रुप बेसिकली क्या है, कैसे हम सिमेट्री एलिमेंट्स के कलेक्शन को एक सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं पॉइंट ग्रुप को, और सबसे पहले एग्जांपल में लेने जा रहा हूं, दैट वाज वाटर मॉलिक्यूल। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का। H2O हमारे पास है और इस H2O में हमें चेक करना है कि कितने सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, और उन सिमेट्री एलिमेंट का कलेक्शन हम तैयार करेंगे और उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ग्रुप। सो बेसिकली ये होता है वाटर मॉलिक्यूल वी शेप में, कुछ इस तरह से मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। सो बेसिकली सेंटर में ऑक्सीजन है, सेंटर में क्या है, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इस साइड है और एक हाइड्रोजन इस साइड है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहला इसमें जो सिमेट्री एलिमेंट्स हमको दिखाई देगा, देखो उस प्रॉपर एक्सिस के अगर मैं इसको रोटेट करूं तो C2 एक्सिस है इसमें, कि एक्सिस डालने पे इमेजिनरी एक्सिस मैंने ड्रॉ की हुई है, जिससे रोटेट करने पे ये वाला हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो गया। सो बेसिकली इस मॉलिक्यूल में एक तो C2 प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है, साथ ही साथ कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें कोई सिमेट्री हो या ना हो, बट आइडेंटिटी हर किसी मॉलिक्यूल की होती है, तो आइडेंटिटी तो कॉमन होता है। यानी कि इस मॉलिक्यूल के अगर हम सिमेट्री एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने यहां से इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ किया जिसके अराउंड मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, तो वो C2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट हर मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी तो होती है। सो वाटर मॉलिक्यूल के अगर हम सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें, टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स के कलेक्शन की बात करें, तो आइडेंटिटी हर मॉलिक्यूल की होगी, प्लस इसमें एक C2 भी है, ओके। क्या इसमें कुछ और है C2 के अलावा, तो अगर हम ध्यान से इस मॉलिक्यूल को देखें, तो ये हमने इमेजिनरी एक्सिस डाली हुई है, ये जो रेड वाला है, जा रहा है पैन, ये इमेजिनरी एक्सिस है जिसके अराउंड मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है। तो अगर इसी एक्सिस के पैरेलल में एक प्लेन डाल दो, इस तरह से इसी एक्सिस के जस्ट पैरेलल अगर हम इस तरह से प्लेन डाल दें, तो ये प्लेन क्या करेगा, इस सेंटर से मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। दैट मींस इसमें एक प्लेन तो ये पड़ रहा है, और अगर एक भी प्लेन आपको दिखाई दे जाता है, एक भी वर्टिकल प्लेन अगर आपको दिखाई दे जाता है, तो जितना प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऑर्डर के बराबर आपका वर्टिकल प्लेन आएगा, या फिर एक भी नहीं होगा। जैसे C2 होता है ना, अगर C2 होगा तो ऑर्डर के बराबर होगा, अदरवाइज एक भी नहीं होगा। सेम एज वर्टिकल प्लेन अगर होगा तो ऑर्डर के बराबर होगा, अदरवाइज एक भी नहीं होगा। सो दैट एक वर्टिकल प्लेन अगर ऐसे पड़ रहा है, तो एक ऐसे भी तो पड़ सकता है, एक प्लेन ऐसे पड़ सकता है, यानी कि एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रहा होगा, जो कि तीनों एटम्स को कट करता हुआ जाएगा। अभी तो सेंटर से पड़ रहा था सिर्फ यहां से, लेकिन एक प्लेन ऐसे पड़ेगा जो कि तीनों एटम्स को कट करता हुआ जाएगा। सो दैट इसमें आइडेंटिटी भी है, C2 भी है, प्लस 2 सिग्मा भी है, प्लस 2 सिग्मा भी है। तो टोटल इसमें सिमेट्री एलिमेंट का कलेक्शन जो है वो ये है, आइडेंटिटी है, प्लस C2 है, प्लस 2 सिग्मा भी। सो दैट इतने सिमेट्री एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है इसमें, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है, दैट वॉज C2V पॉइंट ग्रुप होता है वाटर मॉलिक्यूल,
वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होता है दैट वाज C2P। तो इन जनरल जब हम CNV वाला पॉइंट ग्रुप लिखते हैं तो देखो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इन जनरल जब आप बात कर रहे हो वर्टिकल वाला जो भी मॉलिक्यूल है, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं CNV पॉइंट ग्रुप की बात करें कि CNV पॉइंट ग्रुप कहां कहां पर होता है। सो CNV पॉइंट ग्रुप के लिए जो सिमेट्री एलिमेंट चाहिए, आइडेंटिटी हर किसी में होती है, प्लस CN प्रिंसिपल एक्सिस प्लस N सिग्मा V। मींस अगर किसी मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी होती है, अगर उस मॉलिक्यूल में सिर्फ प्रॉपर एक्सिस है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है और वर्टिकल प्लेन है, कोई भी सब्सिडरी एक्सिस नहीं है, कोई डाइहेड्रल प्लेन नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, कोई इन्वर्जन सेंटर नहीं है, कोई इंप्रॉपर एक्सिस नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप ऑलवेज CNV पॉइंट ग्रुप होगा, हमेशा वो CNV पॉइंट ग्रुप को फॉलो करेगा। अगर यही दो सिमेट्री एलिमेंट्स, ये आइडेंटिटी तो हर किसी में कॉमन होती है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ ये दो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं CN प्लस सिग्मा V, रोटेशन और पैरेलल रिफ्लेक्शन, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन नहीं है, पैरेलल रिफ्लेक्शन अगर है तो मॉलिक्यूल हमेशा CNV पॉइंट ग्रुप को फॉलो करेगा। तो सेम है, अगर हम और एग्जांपल इसके देखें, CNV पॉइंट ग्रुप किसको फॉलो कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C2V हो गया। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, एग्जांपल हम ले लेते हैं इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल NH3, तो इसका शेप कुछ ऐसा होता है जस्ट लाइक दिस। ये है अमोनिया मॉलिक्यूल, ये दिस योर अमोनिया मॉलिक्यूल, यहां पे जो नाइट्रोजन है वो प्लेन से ऊपर होता है, यानी कि ये एटम को जब हम प्लेन पे रखेंगे तो तीन एटम तो प्लेन पर आएंगे बट नाइट्रोजन आपका अबव द प्लेन होगा। सो यहां पर हम सिमेट्री एलिमेंट्स अगर देखें तो सिमेट्री एलिमेंट्स में दिखाया था कि अमोनिया मॉलिक्यूल में जब आप सिमेट्री एलिमेंट देखोगे तो इसमें C3 है प्लस C2 इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको रोटेट आप करोगे तो रोटेट करने पे मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट रहना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहां से C2 डाल के इसको रोटेट करूं तो जो दो हाइड्रोजन अभी प्लेन में थे वो अबव द प्लेन आ जाएंगे। तो इसमें C2 नहीं होता है, इसमें वर्टिकल प्लेन होता है। कितना होता है? 3 सिग्मा V। और आइडेंटिटी तो हर मॉलिक्यूल में होती है। सो दैट अगर C3 आ रहा है तो N कितना है? 3 है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होगा, दैट वॉज C3V। वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप C2V होता है, बट अमोनिया मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? C3V। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, इसी एग्जांपल में अगर CNV पॉइंट ग्रुप में नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ले लेते हैं, और H2O2 की भी हम फॉर्म ले रहे हैं सिस फॉर्म, H2O2 सिस फॉर्म। इसका सिस फॉर्म अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, इफ वी आर कंसीडरिंग द सिस फॉर्म ऑफ H2O2 लाइक दिस, O हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है? दिस इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल है H2O2, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगे हुए और ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दैट वाज आवर सिस फॉर्म ऑफ H2O2। तीन फॉर्म होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, एक सिस फॉर्म, एक ट्रांस फॉर्म और एक ओपन बुक फॉर्म, वो फॉर्म भी हम देखेंगे। सो बेसिकली यहां पर एक C2 प्रेजेंट होगा इस मॉलिक्यूल में, C2 किस तरह से प्रेजेंट होगा, सेंटर से, हम यहां से एक्सिस डाल के मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट कर सकते हैं जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल। यहां से ये जो बॉन्ड है दो ऑक्सीजन के बीच में, अगर इस बॉन्ड के बीच में से मैं एक्सिस को डालूं तो मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट हो सकता है। सो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल आएगा, दैट मींस आइडेंटिटी तो हर मॉलिक्यूल में होती है, प्लस C2 और दो सिग्मा V, दो वर्टिकल प्लेन भी इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। सो दैट वर्टिकल प्लेन कैसे होंगे, जैसे यहां से एक्सिस जा रही है, यहीं से अगर इसके पैरेलल प्लेन डाल दिया जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई प्लेन पड़ता है तो वो हमेशा वर्टिकल प्लेन होता है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन पड़ता है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। सो इस मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी है C2 प्लस 2 सिग्मा भी है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के सिस फॉर्म का, हाइड्रोजन परऑक्साइड के सिस पॉइंट फॉर्म का जो पॉइंट ग्रुप होता है दैट वॉज C2V पॉइंट ग्रुप। तो ये हमारा पहला पॉइंट ग्रुप था CNV पॉइंट ग्रुप, कि CNV पॉइंट ग्रुप के लिए आपके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए प्लस रोटेशन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए,
इसमें कोई सब्सिडरी एक्सिस नहीं होती है, देन वर्टिकल प्लेन। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं सीएनवी के बाद, सीएनएच पॉइंट ग्रुप। सीएनवी पॉइंट ग्रुप के बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल की बात करने जा रहा हूं, दैट वॉज सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे। ये भी हमारा सीएनवी पॉइंट ग्रुप था। नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सीएनएच पॉइंट ग्रुप। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, CNH पॉइंट ग्रुप। तो जब हम बात करते हैं CNH पॉइंट ग्रुप की, तो इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होना जरूरी है? तो आइडेंटिटी तो हर किसी में होती है, और आइडेंटिटी तो अभी भी होगी। आइडेंटिटी हर मॉलिक्यूल की होती है, प्लस CN होगा। CNB पॉइंट ग्रुप में भी आइडेंटिटी था, CN था, बट उसमें N सिग्मा B था, बट यहां पर सिग्मा H होगा। और सिग्मा H जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक होता है। सिग्मा एच किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक होगा, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पाया जाता है बस। सो ये जनरल फॉर्मूला होता है सीएनएच पॉइंट ग्रुप का, कि अगर आप इतने सिमेट्री एलिमेंट किसी पॉइंट ग्रुप, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में देखते हो, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको ये सिमेट्री एलिमेंट दिखाई देते हैं, तो उसका पॉइंट ग्रुप सीएनएच में जाएगा। किस पे जाएगा? सीएनएच में। सो इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ H2O2, अगेन वी आर टेकिंग एन हाइड्रोजन परऑक्साइड एग्जांपल, और अब हम इसकी ले रहे ट्रांसफॉर्म। नाउ वी आर टेकिंग एन ट्रांसफॉर्म ऑफ H2O2। तो H2O2 की अगर आप ट्रांसफॉर्म लोगे, तो ये अभी जो मेरे पास एग्जांपल था, दैट वाज सिस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर मैं इसको यहां से रोटेट कर दूं, एक एटम को यहां से अगर हम रोटेट कर दें कुछ इस तरह से, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रांसफॉर्म। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो चुका है? ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां पर है। सो दैट हाइड्रोजन परऑक्साइड की ट्रांसफॉर्म लिखने जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। दैट वाज़ द ट्रांसफॉर्म ऑफ H2O2। H2O2 का हमने क्या ले लिया? ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या क्या हो सकता है। सो इसमें इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक C2 एक्सिस प्रेजेंट होगा, और वो C2 एक्सिस कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा कि अगर मैं इसको 1 कह दूं और इसको मैं अगर 2 नंबर हाइड्रोजन कह दूं, तो रोटेशन अगर हम यहां से लगाएं, यहां से अगर हम रोटेशन लगा, रोटेशन इस तरह से करेंगे कि 180 डिग्री का रोटेशन हो, तो जैसे ही आप इसमें 180 डिग्री का रोटेशन करोगे यहां से मॉलिक्यूल में प्लेन एक्सिस जाके, सो दैट मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट करेगा, यानी कि ये दो हाइड्रोजन अपने एक्सिस को रिप्लेस कर जाएंगे, अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर जाएंगे। जब आप 180 डिग्री पे इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे, तो 180 डिग्री पे ये वाला हाइड्रोजन यहां और ये वाला हाइड्रोजन यहां पहुंचेगा, और अगेन रोटेट कर दोगे 180 डिग्री पे, सो दैट फिर से ये मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें अगर सिमेट्री एलिमेंट्स की हम बात करें, तो आइडेंटिटी तो हर मॉलिक्यूल में होती है, प्लस इसमें एक C2 है। ओके, क्या इसमें कोई वर्टिकल प्लेन होगा? इसमें कोई वर्टिकल प्लेन नहीं आएगा, क्योंकि एक्सिस के पैरेलल अगर आप प्लेन डालोगे, जैसे एक्सिस जा रही है यहां से, अगर आपने एक्सिस डाली हुई है इस तरह से, हमने एक्सिस डाली हुई है सेंटर से, एक्सिस डाली हुई है ऐसे करके, और वो एक्सिस इसको इस तरह से, यानी कि ये मॉलिक्यूल है, एक्सिस हमने यहां से डाली हुई है और ये एक्सिस इसको इस तरह से रोटेट कर रही है। सो एक्सिस के पैरेलल अगर मैं इस तरह से प्लेन डालता हूं, अगर मैं यहां से प्लेन डालता हूं ऐसे करके, हम प्लेन डालते हैं जो कि मॉलिक्यूल को बीच से कट करे, सो दैट इस वाले हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन इमेज यहां पर नहीं बनेगा। अगर इसका रिफ्लेक्शन इमेज यहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेन डालने का मतलब क्या होता है? प्लेन डालने का मतलब ये होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में मैं बीच में से प्लेन डाल दूं, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। जैसा पार्ट यहां दिखाई देगा वैसा यहां दिखाई देना चाहिए, जैसा यहां नीचे दिखाई देगा वैसा यहां नीचे दिखाई देना चाहिए। लेकिन इसमें जब आप प्लेन डालोगे, यहां हाइड्रोजन है बट यहां पर नहीं है, सिमेज नीचे हाइड्रोजन है बट यहां पर नहीं है, तो इसमें वर्टिकल प्लेन तो नहीं होने वाला है। बट जैसे ये एक्सिस पड़ी हुई है, जिस मॉलिक्यूल में अगर आपने यहां से एक्सिस डाली है और इसके परपेंडिकुलर प्लेन डाल दिया जाए, मतलब एक ऐसा प्लेन डाला जाए जो कि चार के चार एटम को कट करता हुआ जा रहा है, एक्सिस आपने ऐसे डाली हुई है और इसके परपेंडिकुलर प्लेन जा रहा है 90 डिग्री पे, बिल्कुल इस तरह से अगर प्लेन जाए जो चारों एटम को एक साइड कट कर दे, तो उस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सिग्मा एच प्रेजेंट है। सो इसका पॉइंट ग्रुप जो हो जाएगा, दैट वाज C2H। इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड के सिस फॉर्म का पॉइंट ग्रुप C2 भी होता है, बट इसके ट्रांस फॉर्म का पॉइंट ग्रुप C2H होता है। Now again, we are taking another example. If we are taking boric acid, अगर हम boric acid ले लें, तो boric acid के केस में क्या होता है? If we are taking an example of boric acid,
जो कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स में पढ़ा जाता है, BOH का होल साइज। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए आपकी थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपको हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर पता चलेंगे मॉलिक्यूल। तो अगर हम बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाए तो बोरिक एसिड कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है बोरिक एसिड का। तो इसमें अगर हम सिमेट्री एलिमेंट चेक करें बोरिक एसिड में, तो बोरिक एसिड में सिमेट्री एलिमेंट चेक करने में यहां से अगर हम सेंटर से बिल्कुल सेंटर से अगर हम एक्सेस डालें तो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं और इसको 3, तो C3 प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अगर हम इसके सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें तो आइडेंटिटी तो हर किसी मॉलिक्यूल में होती है, प्लस C3 प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं सेंटर से एक्सिस डालकर रोटेट करूंगा तो ये वाला मॉलिक्यूल यहां, ये यहां पहुंचेगा और ये वाला फिर यहां आ जाएगा। तो टोटल C3 है जस्ट लाइक NH3 मॉलिक्यूल। तो C3 इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से जब आप इसमें एक्सिस डालें तो अगर इसके पैरेलल, इस एक्सिस के जस्ट पैरेलल प्लेन डालोगे तो आइडेंटिकल इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन हाइड्रोजन इस तरह इस साइड है जबकि इसका ओरिएंटेशन इस साइड है, तो इसमें आइडेंटिकल इमेज नहीं बनने वाली है। दैट मींस इसमें सिग्मा बी नहीं है, सिग्मा बी नहीं है, इसमें C2 भी नहीं है। सो दैट अगर एक्सिस ऐसे डाली और अगर प्लेन जस्ट इसके परपेंडिकुलर डाला जाए जो कि सारे एटम्स को कट करता हुआ जाए, तो आधा मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएगा और आधा मॉलिक्यूल पीछे चला जाएगा। सो दैट इसमें एक सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, इसलिए बोरिक एसिड का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है C3H। तो द पॉइंट ग्रुप ऑफ बोरिक एसिड इज C3H। इसलिए आगे चल के हायर क्लास में वाटर को वाटर ना कहकर के C2 भी मॉलिक्यूल कह देते हैं, कि आपके C2 भी मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, जस्ट लाइक अमोनिया मॉलिक्यूल C3 भी पॉइंट ग्रुप को फॉलो करते हैं। सो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती मॉलिक्यूल्स को उनके पॉइंट ग्रुप से बुलाया जाता है, कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर C2 भी पॉइंट ग्रुप किसको फॉलो करता है, C2 भी पॉइंट ग्रुप को फॉलो करता है। तो अभी हमें क्या देखा, C2 भी पॉइंट ग्रुप जिसके लिए आइडेंटिटी प्लस C2 प्लस वर्टिकल प्लेन, एंड CNH के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी तो हर किसी मॉलिक्यूल में होती है, प्रॉपर प्रिंसिपल एक्सिस और साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप की ओर चलें, दैट वाज आवर CN पॉइंट ग्रुप, ओनली CN पॉइंट ग्रुप होगा, ना CNV है ना ही CNH है, सिर्फ और सिर्फ CN पॉइंट ग्रुप है। दैट मींस इस मॉलिक्यूल पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी होती है प्लस CN होता है, बस सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी और रोटेशन होगा बस, ना कोई वर्टिकल प्लेन, ना कोई सब्सिडरी एक्सिस, ना कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन, ना कोई डायहेड्रल प्लेन, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आइडेंटिटी जो कि हर एक मॉलिक्यूल की होती है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन। मतलब अगर मैं आइडेंटिटी को छोड़ दूं तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ रोटेशन होने वाला है। सो इफ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ H2O2, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगेन हाइड्रोजन परऑक्साइड का एग्जांपल ले रहे हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड के अभी तक हम दो एग्जांपल ले चुके हैं, एक हमने लिया H2O2 का सिस फॉर्म, H2O2 सिस फॉर्म जिसका पॉइंट ग्रुप क्या आया, C2V, एक एग्जांपल लिया हमने दूसरा H2O2 का ट्रांसफॉर्म और H2O2 के ट्रांसफॉर्म का पॉइंट ग्रुप क्या आया, C2H। नाउ वी आर टेकिंग एन अनदर एग्जांपल ऑफ H2O2 व्हिच इज ओपन बुक फॉर्म ऑफ H2O2। इतनी फॉर्म्स में हाइड्रोजन परऑक्साइड पाया जाता है, तीन फॉर्म में H2O2 प्रेजेंट होता है, जो भी कॉस्मेटिक के सामान होते हैं इंडस्ट्रियल लाइफ में, अगर डेली लाइफ में बात करें तो जितना भी कॉस्मेटिक का सामान आता है, जो थिनर वगैरह होते हैं, एसिड्स वगैरह जनरली जो होते हैं, उन सभी में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट होता है। थिनर वगैरह जो भी नॉर्मल नेल पॉलिश वगैरह जो होती है उसमें H2O2 प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो ओपन बुक फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो ओपन बुक फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, जब हमने सिस फॉर्म देखा था तो सिस फॉर्म में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन प्लेन थे और सेम साइड थे, जब ट्रांस फॉर्म देखा तो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन प्लेन थे बट अपोजिट साइड थे। बट अब आप जब इसकी ओपन बुक फॉर्म की बात करोगे तो ओपन बुक फॉर्म में ऑक्सीजन तो अपनी जगह पे रहेंगे, दो ऑक्सीजन जो आपको ब्लैक फॉर्म में दिखाई दे रहे वो तो अपनी जगह पे रहेंगे, बट एक हाइड्रोजन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इस साइड से और एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह से, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। कुल मिला के दोनों कहां चले जाते हैं, आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं। सो बेसिकली इसको ओपन बुक फॉर्म दिखाने के लिए तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ऑक्सीजन, ये इस तरह से ऑक्सीजन बना होगा
और ओपन बुक फॉर्म, एक हाइड्रोजन आपका यहां इस टाइप से और एक हाइड्रोजन आपका यहां इस टाइप से होगा, इन प्लेन अप नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन जिस प्लेन में है हाइड्रोजन उस प्लेन में नहीं होता है। जैसे बुक्स को खोलते हैं ना, किताब को इस तरह से खोलते हैं, जस्ट उस तरह से इसका फॉर्म होता है, यानी कि उसका एक फॉर्म जो है जो उसका बेस है बुक का वो तो नीचे रहेगा, बट एक पेज इस साइड और एक पेज इस साइड होता है, इस साइड से बेस नीचे रहता है, बुक्स इस साइड, तो जस्ट लाइक ओपन बुक फॉर्म होती है। इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, ओपन बुक फॉर्म। ये ओपन बुक फॉर्म होती है H2O2 की, हाइड्रोजन परऑक्साइड की, सो दैट वन और टू नंबर अगर इसको दे दूं कि हमारा ये वन नंबर है और ये टू नंबर है, सो अगर हम इसमें रोटेशन लगाएं तो रोटेशन लगाने पर कितने डिग्री का रोटेशन होगा, वही 180 डिग्री का रोटेशन फॉलो करेगा C2, यानी कि अगर मैं 180 यहां से घुमाता हूं इस मॉलिक्यूल को, सो एक हाइड्रोजन यहां और दूसरा हाइड्रोजन वहां पहुंचेगा, बट इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपको एक वर्टिकल प्लेन नहीं आने वाला है, क्योंकि जिस प्लेन में दो ऑक्सीजन है उस प्लेन में ये दो हाइड्रोजन अब नहीं है, ये प्लेन में नहीं है, ये आउट ऑफ द प्लेन चले गए हैं, जो अभी तक प्लेन में थे वो अब प्लेन में नहीं है, ओपन बुक फॉर्म बन गया कुछ इस तरह से, ये हाइड्रोजन जिस प्लेन में है उस प्लेन में ये नहीं है, ये अलग प्लेन होगा, ये अलग प्लेन होगा, दोनों ही प्लेन में नहीं है, सो दैट इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ रोटेशन होता है, ना कोई वर्टिकल प्लेन ना कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्यों, क्योंकि जैसे एक्सिस डाली है अगर इस एक्सिस के आप प्लेन भी डाल दोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कट करेगा, वो हाइड्रोजन एटम को कट नहीं करेगा। सो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में H2O2 की ओपन बुक फॉर्म में सिर्फ आइडेंटिटी होती है प्लस C2 होता है, कोई वर्टिकल प्लेन नहीं कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं, इसलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है दैट वाज C2, ओनली C2 पॉइंट ग्रुप होता है, सो H2O2 की ओपन बुक का पॉइंट ग्रुप क्या है, C2। तो हमने तीन फॉर्म पढ़ी हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल की, एक फॉर्म का सिस फॉर्म का पॉइंट ग्रुप C2B होता है, ट्रांस फॉर्म का पॉइंट ग्रुप C2H होता है, एंड ओपन बुक फॉर्म का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो C2। सो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप, द नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप इज DNH पॉइंट ग्रुप, अभी तक हमने पढ़ा CN CNH एंड CNB पॉइंट ग्रुप, अब हम पढ़ेंगे DNH पॉइंट ग्रुप, मैंने के पॉइंट ग्रुप अब D में जा रहा होगा। सो बेसिकली DNH पॉइंट ग्रुप के ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं DNH पॉइंट ग्रुप में, कि अगर किसी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप D में जाएगा तो D में जाने के लिए ये चीजें होनी चाहिए कि उस मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी हर एक किसी में होती, कोई भी पॉइंट ग्रुप आइडेंटिटी हर किसी की होगी। सो CN होगा प्लस सब्सिडरी एक्सिस भी अब इसमें प्रेजेंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सब्सिडरी एक्सिस भी होगा, उसके साथ साथ वर्टिकल प्लेन भी होगा और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन भी होगा। तो इतने सारे सिमेट्री एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, रोटेशन, प्रिंसिपल एक्सिस, सब्सिडरी एक्सिस, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल। सो इफ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ BF3 मॉलिक्यूल, अगर हम BF3 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके देख रहे हैं कि BF3 में हमें बताना है, और BF3 की तरह जो और मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्लेनर मॉलिक्यूल्स, बेसिकली प्लेनर मॉलिक्यूल्स में सारे सिमेट्रिक एलिमेंट्स हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो BF3 मॉलिक्यूल्स अगर हम देखने जा रहे हैं, इन जनरल मैक्सिमम टाइप में प्लेनर मॉलिक्यूल में ये सारे के सारे सिमेट्रिक एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं। सो BF3 मॉलिक्यूल्स में अगर सबसे पहले हम सिमेट्रिक एलिमेंट देख रहे हैं तो आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल में होती है, आइडेंटिटी हर किसी में होती है, सो आइडेंटिटी तो है इसमें, आइडेंटिटी हो गया। प्लस सेंटर से अगर मैं इसको रोटेट करूं तो मैं अगर इसको 1 और इसको 2 और इसको 3 कहता हूं, तो जब हमने सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ा था, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, तो सेंटर से हम इसमें एक्सिस डालकर, बिल्कुल सेंटर से एक्सिस डाल के इसको 120 डिग्री एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। दैट मींस इसमें C3 प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, C3 प्रिंसिपल एक्सिस है, अपार्ट फ्रॉम दैट C3 प्रिंसिपल एक्सिस के बाद क्या इसमें कोई C2 होगा, हमको चेक करना था जब हमने उस टाइम इसको किया था, तो इसमें C2 भी था, कैसे था C2, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर बोरोन से पड़ रहा है, अगर मैं यहां से इसमें एक्सिस डाल दूं तो एक्सिस डालने पे ये वाला बोरोन और वन नंबर फ्लोरीन अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जब आप इसको इस तरह से रोटेट करोगे तो 2 वाला फ्लोरीन यहां और 3 वाला फ्लोरीन वहां चला जाएगा, तब भी तो सिमिलर स्ट्रक्चर है ना, तो एक C2 यहां से पड़ सकता है, दूसरा C2 इस बोरॉन और फ्लोरीन से पड़ सकता है, और तीसरा C2 यहां से पड़ सकता है। सो बेसिकली इसमें प्रिंसिपल एक्सिस C3 है, और अगर आपको एक भी C2 दिख जाता है तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कि अगर एक भी C2 दिख गया तो वो ऑर्डर के बराबर होगा, दैट मीन C3 है तो इसमें 3 C2 होगा।
Now you have to check there is any vertical plane or not. If there is any vertical plane, then the vertical plane will be order equal. मतलब order के equal आने वाला है. So इस तरह से अगर आपने principal axis डाली है, तो principal axis के just parallel level में इस तरह से plane डाल दो. जिस axis पे principal axis है, अगर उसी के just parallel अगर plane पड़ जाता है, principal axis के parallel वाले plane को हमेशा वर्टिकल प्लेन कहते हैं. सो अगर पैरेलल प्लेन पड़ेगा तो ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, एक यहां से पड़ सकता है तो ये रिफ्लेक्शन करेगा, और एक यहां से पड़ेगा तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा. एक भी अगर प्लेन आपको दिख जाता है तो दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि एक भी अगर प्लेन होगा तो वो ऑर्डर के बराबर आएगा, दैट मींस 3σb. अब अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी प्रेजेंट हो सकता है. कि अगर एक्सिस ऐसे पड़ी है, तो अगर एक प्लेन यहां से डाल दिया जाए जो कि जस्ट इसके परपेंडिकुलर, जस्ट इसके 90 डिग्री पे अगर पड़ रहा होगा, जो कि सारे के सारे एटम को, तीन फ्लोरीन और वन बोरॉन को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा बीच में से, तो आधा मॉलिक्यूल ऊपर और आधा मॉलिक्यूल नीचे जाएगा. सो दैट इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक सिग्मा एच भी होगा. सो अगर हम टोटल मिला के इसके पॉइंट ग्रुप की बात करें, तो BF3 मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप D3H होता है. BF3 मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होगा वो D3H होगा. सिमिलर वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमको पॉइंट ग्रुप निकालना है PtCl4 का, तो वो जो आएगा पॉइंट ग्रुप दैट वाज D4H, क्योंकि वो भी प्लेनर मॉलिक्यूल होता है. ऐसे आप बेंजीन का भी निकाल सकते हो, तो वो D6H आएगा. अब जब बेंजीन वगैरह में आगे बात करेंगे, तो वहां पे दो फॉर्म कंसीडर हो जाती है, इक्लिप्स फॉर्म और स्टेरिक फॉर्म. तो वो भी हम देख लेते हैं कि इसके बाद ये तो DNH पॉइंट ग्रुप था. नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, अनदर पॉइंट ग्रुप अगर हम लेने की बात करें, DNG पॉइंट ग्रुप. तो DNG पॉइंट ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, उसमें डायहेड्रल प्लेन आ जाएगा. जब हम DNG पॉइंट ग्रुप की बात करेंगे, तो DNG पॉइंट ग्रुप में बेसिकली जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका, DNG पॉइंट ग्रुप का, तो DNG आइडेंटिटी सब भी में होती है, तो इसमें भी आइडेंटिटी होगी, प्लस CN होगा, प्लस NC2 भी होगा, बट इसमें डाइहेड्रल प्लेन आ जाएगा, सिग्मा डी इसके अंदर प्रेजेंट होता है. इस मॉलिक्यूल में बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, सिग्मा डी और N सिग्मा डी होते हैं, यानी कि जितने C2 होते हैं उतने ही डाइहेड्रल प्लेन भी होते हैं. तो ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका, DNG पॉइंट ग्रुप का. DNG पॉइंट ग्रुप का ये जनरल फॉर्मूला होता है. एग्जाम में बहुत बार, अभी मैं इसको एग्जाम्पल के समझाता हूं, बट एग्जाम में बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि एक मॉलिक्यूल की स्टैगर्ड फॉर्म की बन होगी और दूसरे मॉलिक्यूल की इक्लिप्स फॉर्म की बन होगी. सो स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म की हम जब बात करते हैं, तो इफ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, अगर हम इथेन मॉलिक्यूल की बात करें, तो इथेन मॉलिक्यूल का मैं स्टैगर्ड फॉर्म लेता हूं, इफ वी आर टेकिंग एन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन मॉलिक्यूल जस्ट लाइक दिस, इथेन मॉलिक्यूल का हम स्टैगर्ड फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं. And here it is we are considering, ये staggered form है, this is the staggered form of ethane molecule. And here we are considering the eclipse form of ethane molecule. यहां पर मैं इसका consider कर लेता हूं eclipse form, just like this. Hydrogen, hydrogen, here it is hydrogen. Just इसके पीछे होता है, ठीक है, हमको बस 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए इसके एडजेसेंट में इसको दिखाना पड़ता है. एंड हियर इट इज एंड हाइड्रोजन, सिमिलर वे में यहां पे हाइड्रोजन लगे हुए, दिस इज एन इक्लिप्स फॉर्म. ये स्टैगर्ड फॉर्म है ये वाला, जबकि वो वाला क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है. और इन दोनों फॉर्म्स में अगर आपसे पॉइंट ग्रुप पूछा जाए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का आपसे स्टैगर्ड फॉर्म लिखा गया है, तो उसको एक ट्रिक से या फिर एक नॉर्मल वर्ड से याद रख सकते हैं. जैसे कि मोबाइल वगैरह में जब बहुत सारे मैसेजेस वगैरह कंपनी के आते हैं, तो हम उसमें DND सेवा लगा लेते हैं. DND मतलब क्या होता है, डू नॉट डिस्टर्ब. DND सेवा क्या कहते हैं इसको, DND सेवा हम एक्टिवेट करवा लेते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, डू नॉट डिस्टर्ब सेवा, कि हमको कंपनी से ज्यादा मैसेज वगैरह ना आए. सो दैट DND और S मतलब यहां पे स्टैगर्ड है, सेवा में जो S आ रहा है इसका मतलब स्टैगर्ड है. तो जब कभी भी स्टैगर्ड फॉर्म होगी तो पॉइंट ग्रुप हमेशा DND होता है, लेकिन इक्लिप्स फॉर्म में पॉइंट ग्रुप DNH होता है. इक्लिप्स पॉइंट का जो पॉइंट ग्रुप जाता है वो DNH में आएगा, बट स्टैगर्ड फॉर्म का जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो DND पॉइंट ग्रुप आएगा.
So, जब कभी भी मॉलिक्यूल्स में आपको स्टैगर्ड फॉर्म दी गई है, तो स्टैगर्ड मतलब डीएनडी सेवा, डीएनडी सेवा, सेवा मतलब स्टैगर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि स्टैगर्ड फॉर्म जब कभी भी दिया जाएगा तो डीएनडी सेवा एक्टिवेट करनी है, मतलब वहां पर हमको स्टैगर्ड फॉर्म के लिए डीएनडी पॉइंट ग्रुप देना है। तो अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ग्रुप की बात की जाए कि इथेन मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, तो इतना तो पता है कि अगर हम इसकी स्टैगर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो स्टैगर्ड फॉर्म में ये डीएनडी पॉइंट ग्रुप देने वाला है, जबकि इथेन फॉर्म में ये डीएनएच पॉइंट ग्रुप देने वाला है। अब डीएनएच पॉइंट ग्रुप कैसे आएगा उसमें और इसमें कैसे आएगा, तो वो चेक करते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम इसको अलग अलग नंबरिंग दे दें कि मैं इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबरिंग कर देते हैं, सेम यहां भी नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इक्लिप्स फॉर्म में ये स्टैगर्ड फॉर्म है। तो अगर आप स्टैगर्ड फॉर्म में एक्सेस डाल के चेक करना चाहते हो, सो दैट यहां सेंटर से अगर मैं एक्सेस डालता हूं, सेंटर से अगर मैं एक्सेस इसमें डालता हूं, सो मुझे C3 लगाना पड़ेगा। C3 प्रिंसिपल एक्सेस से क्या होगा, ये वाला 1 यहां आ जाएगा, ये वाला 3 यहां चला जाएगा, ये वाला 5 यहां चला जाएगा। जब आपको तीन एटम इस तरह से दिखाई देते हैं तो जस्ट लाइक BF3 मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल की तरह ही तो है बिल्कुल। 120 डिग्री का रोटेशन करो, 120 डिग्री अगर तीन बार करोगे तो 360 हो जाएगा, और 360 पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। सो दैट अगर आपको तीन एटम ऐसे 120 डिग्री एंगल पे दिखाई दे रहे हैं तो इसमें आपको आइडेंटिटी के साथ C3 प्रिंसिपल एक्सेस दिखाई देगा, C3 प्रिंसिपल एक्सेस हमको इसमें दिखाई देगा। अब उसके बाद हम इस मॉलिक्यूल में चेक करेंगे क्या कोई C2 है, बिल्कुल इसमें C2 है। यहां से हम इसमें C2 डाल सकते हैं, कहां कहां से हम C2 डाल सकते हैं, एक C2 तो हम यहां से डाल सकते हैं इसमें, जो कि यहां से पास आउट होकर जा रही होगी C2 एक्सेस। C2 अगर यहां से हम पास आउट करेंगे तो वो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, 2 इसको रिप्लेस कर देगा, ये 1 4 को रिप्लेस कर देगा और 6 5 को रिप्लेस कर देगा। एक C2 यहां से पढ़ सकता है, एक C2 हम यहां से भी तो डाल सकते हैं इस तरह से, जो कि यहां से पास आउट होकर जा रहा होगा, जो कि 1 और 6 को रिप्लेस करेगा, 2 और 5 को रिप्लेस करेगा। एक C2 यहां से डाला हुआ है, इसको रिप्लेस करेगा और ये वाला इसको रिप्लेस कर देगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब इस तरह से जा रहा होगा। एक C2 आपने यहां से डाल दिया, एक C2 यहां से, और दूसरा एक C2 आप और डाल सकते हो। कुल मिला के आप इस मॉलिक्यूल में 3 C2 डाल पाओगे। अब होता क्या है, एक C2 आपने यहां से पास आउट किया, एक C2 आपने यहां से पास आउट किया, एक C2 आप यहां से पास आउट करोगे, जो कि इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा और इन दो को रिफ्लेक्ट करेगा। सो जब हमने वर्टिकल प्लेन के बारे में पढ़ा तो वर्टिकल प्लेन हमने कहा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। जब हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। और जब टू C2s, अगर कोई दो C2 है और उन दो C2s के बीच में से कोई बाइसेक्टिंग प्लेन हो, अगर टू C2s के बीच में कोई बाइसेक्टिंग प्लेन होता है तो उस बाइसेक्टिंग प्लेन को हम डाइहेड्रल प्लेन कहते हैं। कि अगर एक C2 यहां से जा रही है और एक C2 यहां से जा रही है, उसके बीच में से अगर प्लेन डाल दो, दो C2s के बीच में से, एक C2 ये है और एक C2 ये है, अगर आप दो C2s के बीच में से कोई प्लेन पास आउट करते हो, फॉर एग्जांपल एक C2 हम यहां भी ले लेते हैं कि यहां से भी C2 पड़ रहा है, एक C2 यहां भी है जो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इसको रिफ्लेक्ट और इसको रिफ्लेक्ट करेगा। टोटल मिला के इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में 3 C2 है जो हमको यहां पर दिखाई दे रही है, एक C2 ये है, एक C2 ये है और एक C2 ये है। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अगर हम सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें आइडेंटिटी है प्लस C3 है प्लस 3 C2 भी है, बट इसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होते। अगर दो C2s के बीच में से कोई प्लेन पड़ जाए, एक C2 ये है, एक C2 ये है, और अगर दो C2 के बीच में से एक पैरेलल प्लेन पड़ जाता है तो उस पैरेलल प्लेन को हम वर्टिकल प्लेन ना कहकर के हॉरिजॉन्टल प्लेन भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, डायहेड्रल प्लेन, दैट मींस σd कहते हैं। सो अगर यहां से प्लेन पड़ सकता है तो यहां से भी पड़ सकता है, दो C2 के बीच में से अगर प्लेन पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि अगर दो C2s के बीच में से पैरेलल प्लेन पड़ जाता है तो वो डायहेड्रल प्लेन यानी कि 3σd, सो पॉइंट ग्रुप विल बी d3d। सो इसीलिए इथेन मॉलिक्यूल की स्टैगर्ड फॉर्म का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो d3d होता है। और इन शॉर्ट मैंने बता दिया कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सेस भूल लेते हो और अगर वो स्टैगर्ड है
तो डीएनडी सेवा मतलब, सेवा मतलब स्टैगर्ड, और डीएनडी पॉइंट ग्रुप प्रिंसिपल एक्सिस सी थ्री है तो एन की जगह थ्री रख दो, डीएनडी यानी कि बी थ्री डी पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। नाउ इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इक्लिप्स मॉलिक्यूल, इक्लिप्स मॉलिक्यूल में क्या होगा, यहां पर एटम एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करते हैं, बट यहां पर एटम एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं। जो पोजीशन फ्रंट वाले हाइड्रोजन की होगी वही पोजीशन बैक वाले हाइड्रोजन की भी होगी। सो दैट यहां पर अगर हम बात करेंगे 70 एलिमेंट्स की तो आइडेंटिटी होगी प्लस सी थ्री भी होगा, सी थ्री प्रिंसिपल एक्सेस होगा जो कि यहां से ज्यादा होगा, प्लस सी टू भी होगा। सी टू कैसे होगा, अगर मैं यहां से एक्सेस डाल दू तो यह हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर जाएगा, सी टू भी प्रेजेंट होगा प्लस थ्री सी टू, बट यहां पर दो सी टू के बीच में से जाने वाला कोई वर्टिकल प्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से जो सी टू होगी वो यहां से जाएगी, एक सी टू यहां से जाएगी और एक सी टू इसमें यहां से आएगी, लेकिन यहां पे सी टू एटम्स के बीच में से जा रही थी इस तरह से, एटम्स के बीच में से, लेकिन यहां पे सी टू एटम्स के ऊपर से जाएगा। तो यहां पर आप दो सी टू के बीच में कोई प्लेन नहीं डाल पाओगे, इसीलिए इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ई सी थ्री प्लस थ्री सी टू प्लस थ्री सिग्मा बी प्लस एक सिग्मा एच, सो टोटल मिला के एक्लिप्स पॉइंट का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो डी थ्री एच होता है। तो एक्लिप्स फॉर्म अगर आपको दी जाए, सिमिलरली अगर बेंजीन का स्टैगर्ड फॉर्म पूछा जाए तो बेंजीन का स्टैगर्ड फॉर्म का पॉइंट ग्रुप डी सिक्स डी होता है, लेकिन बेंजीन के एक्लिप्स फॉर्म का पॉइंट ग्रुप डी सिक्स एच होता है। ऐसे साइक्लोपेंटेन जो भी आपको मॉलिक्यूल अगर दिया जा रहा है, अगर वो स्टैगर्ड है तो डीएनडी सेवा मतलब डीएनडी पॉइंट ग्रुप, और अगर वो स्टैगर्ड नहीं है तो फिर हॉरिजॉन्टल पॉइंट ग्रुप उसके अंदर। वी आर टेकिंग एन अनदर पॉइंट ग्रुप व्हिच इज एन डीएन पॉइंट ग्रुप, तो डीएन पॉइंट ग्रुप में बेसिकली आइडेंटिटी होता है प्लस सीएन होता है प्लस एन सी टू होता है। अभी तक हमने सीएन पॉइंट ग्रुप पढ़ा था, सीएनवी पढ़ा था, सीएनएच पढ़ा था, सेम एज हमने डीएनएच पॉइंट ग्रुप पढ़ा, डीएनडी पॉइंट ग्रुप पढ़ा, और अब हम पढ़ते आ रहे हैं डीएन पॉइंट ग्रुप। तो डीएन पॉइंट ग्रुप में सिर्फ सीएन होगा प्लस एन सी टू होंगे और कुछ नहीं। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आप देखो तो इसमें आपको एक प्रिंसिपल एक्सेस दिखाई देगा, और प्रिंसिपल एक्सेस कहां से होगा, जस्ट लाइक बीएफ3 मॉलिक्यूल, इसको बीएफ3 मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर करो, बट ये है क्या, COEN का होल रहे, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन है, NH2CH2CH2NH2 वाला एग्जांपल है। सो बेसिकली अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर करें जस्ट लाइक इन बीएफ3 मॉलिक्यूल, बीएफ3 नहीं है बट मैं एक्सेस को रोटेशन करने के टर्म्स में बता रहा हूं, ये है इथाइलिन डायमीन मॉलिक्यूल लगे हुए, उसके साथ साथ इसमें सी टू भी है, जैसे कि सी टू इसमें यहां से पास होती है ना BF3 मॉलिक्यूल में, जस्ट लाइक इन दिस मॉलिक्यूल C2 इज पास ओवर देयर एंड ओवर देयर ऑल्सो, सो 3C2 भी इसमें प्रेजेंट है, C3 है प्लस 3C2 है। बाकी इसमें कोई वर्टिकल प्लेन आपको दिखाई, एटम की पोजीशन देख लो, एक बॉन्ड ऊपर है तो एक बॉन्ड नीचे जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से बॉन्ड बने होते हैं, एक बॉन्ड ऊपर से और एक बॉन्ड नीचे से होता है, इस तरह से इथाइलिन डायमीन का मॉलिक्यूल्स बना होता है। सो इसमें C3 होगा प्लस 3C2 भी होगा, लेकिन कोई डायहेड्रल प्लेन नहीं, कोई वर्टिकल प्लेन नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं, इसलिए इस मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होता है दैट वाज D3 ओनली। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपको CN मिलेगा यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस मिलेगा और सब्सिडियरी एक्सेस मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सेस और सब्सिडियरी एक्सेस मिलेगा, तो पॉइंट ग्रुप हमेशा DN होगा। प्रिंसिपल एक्सेस के साथ अगर वर्टिकल एक्सेस होगा तो वर्टिकल प्लेन होगा तो CNB पॉइंट ग्रुप, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो CNH पॉइंट ग्रुप, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सब्सिडियरी एक्सिस है तो पॉइंट ग्रुप विल बी DN यानी कि इस केस में D3। नाउ वी आर टेकिंग एन अनदर एग्जांपल ऑफ पॉइंट ग्रुप दैट वाज C1 पॉइंट ग्रुप, CS पॉइंट ग्रुप एंड इनवर्जन सेंटर CI पॉइंट ग्रुप। तो बेसिकली तीन पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं, C1 पॉइंट ग्रुप वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होती है, यानी कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हमारे पास है, कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें कहीं से भी आप रोटेट करो कोई भी सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल को 360 रोटेट कर दिया जाए, बीच में कहीं ना रोके जाए, अगर उस मॉलिक्यूल को पूरा 360 पर रोटेट किया जाए तो एटम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहेंगे। सो इसीलिए उस 360 रोटेशन की वजह से
किसी भी मॉलिक्यूल के 360 डिग्री रोटेशन की वजह से हम ये कहते हैं कि हर मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी होती है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी है, तो उस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप C1 होता है। हमेशा क्या होगा, C1। किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज CS पॉइंट ग्रुप। ये वो एग्जांपल है जिसमें दो एटम सिमिलर और दो एटम डिफरेंट, आई मीन टू से आइडेंटिटी के साथ अगर उसमें सिग्मा है, आइडेंटिटी के साथ अगर उसमें सिग्मा है, तो वो मॉलिक्यूल CS पॉइंट ग्रुप को फॉलो करेगा और वो पॉइंट वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई प्लेन हो सकता है। सो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं कि CH2 है, कुछ इस तरह से CH2 है, एक आपके पास CL है और एक आपके पास BR है। तो अगर मैं यहां बीच में से प्लेन डालूं, यहां बीच में से प्लेन डालूं जो कि BR और क्लोरीन को बाइसेक्ट करता हुआ जाए, तो हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर आएगा, तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में यहां बीच में से एक प्लेन पड़ सकता है। तो इसीलिए इसमें आइडेंटिटी तो है, क्योंकि आइडेंटिटी हर मॉलिक्यूल की होती है, प्लस इसमें यहां से पास करता हुआ जो कि BR और क्लोरीन को बाइसेक्ट करता हुआ प्लेन जाएगा, वो प्लेन भी प्रेजेंट है। सो आइडेंटिटी प्लस सिग्मा अगर किसी मॉलिक्यूल में है, सो पॉइंट ग्रुप विल बी CS। और अगर किसी मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन सेंटर है, कोई दूसरा सिमेट्री एलिमेंट नहीं, सिर्फ इन्वर्जन सेंटर, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे BR इस BR को रिफ्लेक्ट कर सकता है, CL इस CL को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, सो इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है, और आइडेंटिटी के साथ अगर इन्वर्जन सेंटर होगा तो पॉइंट टू विल बी CI। एक इंपॉर्टेंट चीज और है जाती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में तीन C2 आपस में परपेंडिकुलर है, इफ थ्री C2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जितना भी पॉइंट ग्रुप था वो मैंने सब खत्म करा दिया है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में तीन C2 आपस में परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट ग्रुप हमेशा डी में जाएगा, देन पॉइंट ग्रुप ऑलवेज इन डी, पॉइंट ग्रुप ऑलवेज इन डी, हमेशा उसका पॉइंट ग्रुप कहां जाएगा, डी में जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन मॉलिक्यूल हमने पढ़ा हुआ था, इसमें 3 C2 होती है और 3 C2 आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एक यहां से जाती है, एक यहां से जाती है और एक यहां से जाती है, एक्स वाई जेड एक्सिस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D2H होता है। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में पहले पढ़ा दिया था। तो बस समझाने वाली बात अभी यहां पर थी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 3 C2 है और अगर वो 3 C2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट ग्रुप हमेशा किस में जाएगा, डी में जाएगा। सो इस तरह से हमने टोटल पॉइंट ग्रुप खत्म कर लिया है कि जितना भी पॉइंट ग्रुप का पार्ट होता है वो सारा का सारा पॉइंट ग्रुप हमने कंप्लीट कर दिया है। पूरा पढ़ाने के बाद जितना भी इसमें करेक्टर टेबल से कुछ बची हुई है, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आई होप कि इस क्लास से आपको पॉइंट ग्रुप का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट ग्रुप को कैसे सॉल्व आउट करना होता है। यही समाप्त करते हैं आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो फॉर मोटिवेशन टू मेक मोर यूजफुल एंड कंटेंटमेंट वीडियोस।